श्री राम गोपाल यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण, श्री राम गोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो तब इस प्रकार की तुष्टीकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है।